learnings. I'm still learning every day, but since we're celebrating International Yoga Day, I just want to say the benefits are many. No one has ever turned to yoga and said that they regretted it. First things first, so make that start if it means today. लोग एक शुभ दिन का वेट करते हैं ना कोई शुभ काम की शुरुआत के लिए तो ये शुभ दिन है योगा की शुरुआत के लिए. I've had many ailments, many niggles and pains because you know I've been a sports person, then all the dancing and the wear and tear that came with it, lot of injuries. It's been able to rehabilitate me, strengthen me, tone me internally, externally, shape my body, my mind, my soul, align it. तो बेनिफिट्स तो बहुत सारी हैं तो और एक बहुत बड़ा एडिड बेनिफिट ये है कि इट इट रियली हेल्प्स यू एज ग्रेसफुली एज वेल. सो या मैम यू सेड दैट दो योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया. आई हैव लॉन्च्ड द शिल्पा शरी ऐप विद द इंटेंट दैट मोर पीपल शुड टर्न टू योगा एंड विद योगा ऑब्वियसली देयर इज सम डायनामिक योगा, देयर इज फंक्शनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन. आई जस्ट थिंक यू नो जो भी फिटनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं या तो हाफ बेक इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है नेट पे और कभी कभी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए आई हैव मेड इट अ लिटरल नॉमिनल फी ऑफ 499 bucks टू डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब टू इट एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, डाइट प्लान्स, यू विल गेट अ मोटिवेशन, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन. And I just think that whatever it takes to, you know, get onto that boat of fitness. Yeah. For somebody who's starting yoga today, 5 simplest or easiest yoga asanas to start with. Simplest yoga asanas. Tadasana. Tadasana is great. Vrikshasana is bahut, bahut kamal ka asan hai. Veerbhadrasana hai. Surya Namaskar. But make sure jab aap seekh rahe hain, कोई आपको ठीक तरीके से सिखाएं क्योंकि बैक नहीं तो इंजर हो सकता है. जानू शीर्षासना, स्पाइनल ट्विस्ट बहुत अच्छा मिलता है उसमें. सॉरी मेरु दंडासना और जानू शीर्षासना में यू गेट द बैक स्पाइन अलाइनमेंट. सो या दीज आर द आसन्स दैट आई स्वेयर बाय. मैम हिंदी में जानना था. हाँ जी योगा डे को योगा डे तक ही सीमित क्यों रखे हम? यही मुहिम है कि हम उसको आगे बढ़ाएं और रोज लोग करें और आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाएं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो डिसीजन लिया है कि इस दिन को बस सेलिब्रेट ही नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस भी लोगों तक पहुँचे, इसके बेनिफिट्स के बारे में लोग जाने. और मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग देखें, अगर लोग तारीफ़ करते हैं मैं जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन करती हूँ तो उसका बहुत बहुत सारा श्रेय योग को जाता है. योगा से ही होगा. ये एक सेलिब्रेशन ही है, हमें सेलिब्रेट ही करना चाहिए. आदरणीय मोदी साहब ने जो डिसीजन लिया है योग को बढ़ाने का, एक अवेयरनेस पैदा करने का, बहुत ही काबिले तारीफ है. तो मुझे बहुत खुशी है. मैं बहुत ट्राई कर रही थी पिछले 15 सालों से कि मैं कुछ करूं इस दिशा में. उन्होंने थोड़ा सा काम आसान कर दिया है. योग जो है हमारी मूल पूंजी है. तो लोग क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि जो यंगर जेनरेशन है, बहुत सारे यंग बच्चे, बैठना हुआ बैठिए उधर, कौन से लैंग्वेज में बैठना मतलब
योग का पहला नियम है अनुशासन। जहाँ पे अनुशासन नहीं है वहाँ योग नहीं है। तो कोई भी पोजीशन हासिल करने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। हमारे एनसीसी और सीआर पीएफ के जो भाई हैं वो आपको इस बात के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू से कि योग से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे पे ही योग नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन योग को सेलिब्रेट करूँ। योग मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही नहीं, योग का हिस्सा मैं हो गई हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को बाकी है, लेकिन बहुत खुशी है कि योग के प्रति बहुत लोग रुचि दिखा रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन को। मैं वही बोल रही थी कि जो ये जनरेशन है, हम अपने एम्बिशंस की तरफ इतनी पता नहीं सिंगल माइंडेड गोल ओरिएंटेड फोकस के साथ भाग रहे हैं कि हम भूल गए हैं ब्रीथ करना, श्वास लेना। श्वास तो वैसे हम सभी ले रहे हैं, लेकिन आराम से अवेयरनेस के साथ उस मोमेंट में रह के श्वास लेना हम भूल गए हैं। तो जिसके कंट्रोल में श्वास नहीं है वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, राइट काबरा जी? सही बोला। तो बहुत दिग्गज है हमारे फील्ड के, तो मुझे बहुत खुशी है आप बहुत अच्छा क्लास ले रहे हैं। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ वैसे, मैं 3:30 तक सुपर डांसर की शूटिंग कर रही थी और सीधे वहीं से यहीं पे आई हूँ। तो ये और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर योगा नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। मैं नहीं कर पाती। योग से एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, पता नहीं कहाँ से मुझे वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन तो आप बोल रहे थे जब आप शुरुआती में कि सर्वाइकल प्रॉब्लम हो तो ये आप मत करो और ये मत करिए और ज़्यादा बस अपने सीमा के बारे में सोच के फिर आप योग करिए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि योग की शुरुआत मेरी वहीं से हुई, क्योंकि मैं मेरा बहुत ही एक्सट्रीम केस था सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का 15 साल पहले। तो योगा छोड़ो मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी। तो आज योग के साथ मैं ये वार्म अप एक्सरसाइजेस तो छोड़ो, मैं शीर्षासन कर सकती हूँ और वृश्चिक आसन भी कर सकती हूँ। तो मैंने ये सीखा है इस अभ्यास के दौरान, अब थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल सीख रही हूँ कि द माइंड इज मोर पावरफुल देन द बॉडी। और ये योग सिखाता है आपको, आप सीख जाते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट शेपिंग जस्ट योर बॉडी। योगा करने से आप अपने मन, अपने तन, अपनी आत्मा को शेप करते हैं। तो प्लीज़ योग को अपनाइए, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनाइए। एंड ये एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसे मैं एक शैली नहीं, एक व्यायाम के तौर पे नहीं, मैं बोलूँगी ये एक साइंस है, एक विज्ञान है। और उसका ज्ञान जो है हमें गिफ्ट की तरह मिला है। हमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि योग बिलोंग करता है इंडिया को और इसे हमें ओन करना चाहिए। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, बहुत सारे ऐप्स निकले हैं देश विदेश में, और सबसे ज़्यादा योग के ऐप्स फॉरेनर्स ने बनाए हैं। इंडिया से कोई ऐसा मतलब ऐप है नहीं जो यहाँ से बाहर जाए। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द शिल्पा शेट्टी ऐप। तो प्लीज़ इसे डाउनलोड करिए
और ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग भी, क्योंकि अमेरिका कनाडा हमारे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अमेरिका कनाडा ब्रिटेन से हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर इंडिया से इसे लोग डाउनलोड करें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में योग का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, तो मुझे सोच के बोलना नहीं पड़ता। मैं योग के बारे में बहुत घंटे बात कर सकती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है कि टू लिव इन द प्रेजेंट, नाउ में जियो, मतलब अभी अभी के मोमेंट को इन्जॉय करो। हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लोग पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो बस आज एक दृढ़ संकल्प लीजिए आप सभी और डिसाइड कर लीजिए कि योग को आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे एंड देखिए उससे हाउ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। नहीं तो क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, काश ये लोग ऐसे अपनी एटीट्यूड को बदल देते, काश हम सिचुएशन को बदल देते। तो योग क्या करेगा कि आपको ही बदल देगा, आपके नज़रिए को ही बदल देगा। तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका नज़रिया ही बदल जाएगा तो खुद ब खुद दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगेगी। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योग एंड आई लव इट। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सुरेश जी को आज पूछते हैं। हाँ मैंने बाबा जी के साथ आज बात की, एक्चुअली कल शाम को मैंने बात की, और बस सल्यूट करूँगी मैं हमारे CRPF के लोगों को यहाँ पे एंड CIO, आई डोंट दे बोथ टुगेदर राइट एंड द CISR एंड द CISR, सॉरी, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल टू बी हियर। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, एक मौका मुझे मिला यहाँ पे आके मैं कुछ कहूँ और बोलूँ, आई होप इससे कोई फर्क पड़े। थैंक यू सो वेरी मच, एंजॉय दिस डे एंड कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग योगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आप ही आए और आपने जो मार्गदर्शन दिया, मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ जो जवान हैं डेली पैसिव इनहेलेशन होता है, श्वास जो छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो प्रयास पूर्वक होती है, कोशिश करते हुए होती है, रिलैक्सेशन के साथ अपने आप श्वास हमारा अंदर की ओर जाता है। पेट में होने वाली हलचल के कारण 50 कंप्लीट हुए। सबसे कमाल का मतलब है सर ब्रेन, और भाती का मतलब है क्लेंस, मतलब ब्रेन क्लेंस, जिसको हम सबको ज़रूरत है। हाँ सभी को ज़रूरत है ना इस टाइम एंड एज में। तो सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं क्लेंस हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आ जाती है, और अगर मन में कोई भी डाउट हो ये क्लैरिटी लेकर आता है आपकी थॉट में, और जब थॉट में क्लैरिटी हो तो फिर काम अच्छा होता है।
तो ये हुआ पहला प्राणायाम जो मेरा सबसे फेवरेट वाला है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। वाह, बारिश भी पड़ रही है। वाह, ऊपर से भी ऊपर वाला योग। चलिए अनुलोम विलोम। क्लोज द राइट नॉस्ट्रल, श्वास को बाहर लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रल खोल दीजिए, श्वास बाहर। अब राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर लीजिए, इनहेल, राइट नॉस्ट्रल को बंद, लेफ्ट को खोलिए, एक्सहेल। इनहेल लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद, एक्सहेल। इसे कंटिन्यू करिए 10 बार। इनहेल बंद, एक्सहेल, इनहेल बंद, एक्सहेल, इनहेल, राइट को बंद, एक्सहेल। बस हा, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। ईड़ा और पिंगाला जो नाड़ियां हैं सारी खुल रही है। वाह, भगवान को ज्यादा ही प्रसन्न नहीं हो रहे? रो तो नहीं रहे कि मनुष्य सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे पे मत करो योगा, रो रहे हैं ऊपर वाले, रोज करो। कैमरा जी नहीं सर, मतलब हाउ स्वीट। चलिए ओम करते हैं ध्यान मुद्रा। आंखें बंद, लंबी श्वास लीजिए एंड से ओम। सात बार करेंगे हर चक्र को एक्टिवेट करते हुए। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ इन। थ्रोट चक्र पे विशुद्धि चक्र के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आईब्राउज के बीच में ध्यान रख। ओम।
सहस्र चक्र पे डीप ब्रेथ इन ओ आंखें बंद ही रखें, फील द एनर्जी फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द बेस ऑफ योर स्पाइन, सहस्र चक्र से लेकर मूलधारा चक्र तक पूरा एक्टिवेट रखें। इमेजिन करिए there is an iridescent light entering your body from the top of your head take deep breaths sare negative thoughts ko chhod dijiye inhale positivity exhale all negativity ab dono hatheliyon ko paas lekar aaiye and rub them together unka ghashan kijiye अपनी आंखों पर रखिए वापस एक और बार चलिए विद मोर विगर रखिए अपनी आंखों पर आंखें अभी भी बंद हैं अब अपनी आंखों को ब्लिंक करिए जल्दी से तीन बार आहिस्ते से अपनी आंखों को खोलिए Bring your palms on your thighs. Atma Namaste. Abhay ji karenge. Thank you so much. Are, puri raat soi nahi hu. Bahut damadol hai yaar idhar. Upar niche. Chaliye, bahut acha laga mujhe. Thank you so much. योगा ही कर सकता है थैंक यू वेरी मच